नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू संवाद के साथ। मैं हूं अश्विनी भारद्वाज। इस वक्त मैं अराजपुरा कैंप जो गढ़खाल एरिया में आता है वहां पे मौजूद हूं। और पीछे जो आप देख सकते हैं, कैमरामैन गुजारिश करूंगा ये दिखाएं, यहां पे एनिमल हस्बेंड्री, पुलिस डिपार्टमेंट, एसडीएम मर्ड और कई अर्ध सैनिक बल की टीम की यहाँ पे तैनाती की है। तैनाती करने का कारण क्या है, लगभग जो सूत्रों के हवाले से 150 कनाल जो जगह है स्टेट लैंड है और काफ़ी समय से इसके ऊपर निगरानी में थी कि कब इसको खाली किया जाए, क्योंकि यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ पे फेंसिंग भी हो रही है कि कैमरा से गुजारिश करूँगा ये दिखाएं, ये जो विजुअल सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्टेट लैंड जो है बाउंड्री किया जा रही है एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा और एसडीएम मर्ड, कई अन्य अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की टीम पहुँची है, सीएसएफ की टीम है, मतलब मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि आज कोई ऐसा अनहोनी ना हो। अगर कुछ खुदा ना खासा अगर कुछ झड़प होती है आम पब्लिक और पुलिस में, तो उसके लिए भी पुलिस बिल्कुल तैयार है। एसडीएम सर से हमारी बात हुई ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है शाम को देंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो से आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ भाई। कई बार यहाँ पे आपने देखा होगा जम्मू में भी ये चल रहा था, ड्राइव चल रही थी कि जितनी भी स्टेट लैंड होगी उसको खाली करवाया जाएगा और यहाँ पे विशेष समुदाय के खासकर लोग रहते हैं। और गढ़खाल से आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ क्या इन्वेस्टिगेशन आती है, क्या रिपोर्ट आती है कि इसको खाली किया जाएगा, क्या एरियाज़ में खाली किया जाएगा, ये सारी जो जानकारी है ये एसडीएम सर हमें शाम को देंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि राजपुरा में जो है राजपुरा कैंप में पुलिस की टीम और अधिकारी, कई अधिकारी डिपार्टमेंट, एसडीएम सर, एनिमल हस्बेंड्री और कई सारे अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। मकसद यही है कि पूरा मैप था एसडीएम सर के पास, ये जितने भी रकबे हैं, जितने भी खसरा नंबर है उसको खाली करवाया जाएगा, उसको सही तरीके से, जितनी भी लोगों के पास ज़मीन अगर है उनकी मालिका ज़मीन है तो उनको मिलेगी, अगर स्टेट लैंड है तो सब की सब जो है खाली करवाया जाएगा। फिलहाल देख रहे हैं जम्मू संवाद, कैमरा के साथ अश्विनी भारद्वाज। हां फिर हां वही दिया है।